दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि सर हमें मुंबई आना है लेकिन बजट हम लोग कैसे प्लान करें, तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मुंबई आने से कम ना आप एक साल का बजट आप प्लान कर लीजिए कि आपको अगर रहने का खर्चा पर मंथ का इतना है, खाने का इतना है, आपके डेली एक्सपेंसेस इतने हैं, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। पहले पर महीने का खर्चा निकालिए, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 से। एक साल का जो आपका बजट बनता है वो आपको तैयार करना ही है कैसे भी करके। मैंने बताया है मुंबई शहर थोड़ा महंगा है, यहाँ पर थोड़ा आपको सस्टेन करना पड़ेगा किसी तरीके से, आपको आपको वो फाइनेंशियल जो आपकी नीड्स है ना उसको पूरी करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे यहाँ पर आते एकदम से काम चालू हो जाएगा, एकदम बूम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा वक्त लगेगा और अगर आपके पास बजट नहीं होगा, पैसा नहीं होगा ना, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप परेशान होने लगेंगे, जो कि आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। इसलिए मुंबई आने से पहले अपनी प्लानिंग ऐसी कर लो, अपनी चीज़ें ऐसी वहाँ से आप पूरे प्री प्लान करके आओ घर से कि यार मुझे जाना है तो एक साल का मेरा बजट इतना है और इसके हिसाब से मैं एक साल तक खूब मेहनत करूँगा, स्ट्रगल करूँगा, ऑडिशंस दूंगा, लोगों से मिलूँगा, कॉन्टैक्ट्स बनाऊँगा, और एक साल के बाद मेरा अगर महीने का 8 दिन का भी काम मुझे मिलने लग गया, चाहे 4,000 पर डे भी मुझे मिले या 3,000 पर डे भी मुझे मिले, तो उसके हिसाब से मैं अपना खर्चा उठा सकता हूँ मुंबई में। ऐसी प्लानिंग करके जब मुंबई आओगे ना तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे हवा में उठ करके आ जाओगे, कुछ भी करने लगोगे, बिना सोचे समझे एक दो महीने का पैसा लेकर के आ जाओगे, तीसरे चौथे महीने से आपका स्ट्रगल चालू हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, पैसे नहीं होंगे, फिर आपको वापस छोड़ छाड़ के सब मुंबई से अपने शहर वापस, अपने गांव वापस जाना पड़ेगा। तो इस तरह की हरकत नहीं करनी आपको। प्री प्लान करके चीज़ें अच्छे से माइंड सेट रेडी करके फिर मुंबई आना है।